हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप इंट्रो देख के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ। तो आज मैं अपना जो लैपटॉप है इसका रैम को मैं अपग्रेड करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव है कि आप अगर कभी भी रैम अपग्रेड कर रहे हैं आपका लैपटॉप का, तो सबसे पहले आपको जो चीज़ ध्यान देना होगा वो थोड़ा सा देख लीजिए। जब भी आप अपग्रेड करने जा रहे हैं तो लैपटॉप का अंदर जहाँ पर रैम आपका इंस्टॉल करा हुआ है उस जगह को एक बार अच्छे से देख ले। मैं थोड़ा सा ब्राइटनेस कम करके मैं दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट DDR3। ओके, इधर भी आप नीचे में भी देख सकते हैं 1.5 वोल्ट DDR3। तो जब भी आप रैम इंस्टॉल करते हैं इसमें, तो सबसे पहले आपका जो रैम का जो इंस्टॉलेशन जो जगह है, जैसे मेरे यहाँ पर है, उस जगह को देख ले कितना वोल्ट का आपका रैम है। और DDR3, DDR4, DDR2 होता है, रैम का अलग अलग पार्ट होता है। तो आपको जो रैम आपका लैपटॉप में सपोर्ट करता है, हाई वोल्टेज, लो वोल्टेज, ये देख के आप रैम परचेज करें। तो मेरा यहाँ पर 1.5 वोल्ट का है और DDR3 रैम यहाँ पर सपोर्ट करता है। तो ये था आपका रैम इंस्टॉल करने का। अब लैपटॉप ऑन करने का टाइम में बहुत प्रॉब्लम होता है, आप लोग को समझ में नहीं आता क्या करें, तो आप लोग सर्विस में ले जाते हैं, बहुत पैसा खर्चा हो जाता है। मैं पूरा बताऊंगा, वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं पूरा डिटेल्स में। तो आपका जो रैम है, उस रैम को इंस्टॉल करने के बाद आप सिंपली क्या करते हैं, लैपटॉप को में आप लोग ज़्यादातर जो करते हैं, लैपटॉप को डायरेक्ट यहाँ से जो पावर बटन है, इस पावर बटन को प्रेस करते हैं। तो जैसे आप प्रेस करते हैं तो लैपटॉप आपका ऑन हो जाता है। कभी कभार क्या होता है कि आप प्रेस करने का टाइम में आपका ये जो बैटरी का जो लाइट इंडिकेट होता है, तो उस टाइम आपको क्या करना है, जब बैटरी का जो लाइट ब्लिंक होता है, ब्लिंक करता है बार बार, आपको इसको 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके पकड़ना है। ओके, प्रेस करना है 10 से 15 सेकंड तक, उसके बाद छोड़ देना है, आपका जो लैपटॉप है ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है लैपटॉप का रैम इंस्टॉल करने में कुछ भी, तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए। तो देखिए, मैंने पहला में आपको दिखाया था इसका जो रैम था वो 4GB का था, अब मैं और 4GB यहाँ पर इंस्टॉल किया हूँ, तो टोटल हो गया अब मेरा 8GB का रैम। ओके, तो फर्स्ट टाइम जब आप इसको ओपन करते हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है ये ओपन होने में, प्रोसेस चलता है कुछ, उसके बाद ये जो आपका लैपटॉप है ये ओपन हो जाता है। तो मैं ओपन हो गया, अब मैं इसको पूरा डिटेल्स में दिखाता हूँ इसका रैम जो है वो बड़ा कि नहीं, क्योंकि मेरा 4GB था और 4GB इसमें अपग्रेड किया हूँ। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं इस मेरा जो पासवर्ड है दे देता हूँ और ये हो गया ओपन। ओके, ओपन हो जाने के बाद डायरेक्ट मैं चले जाता हूँ मेरा कंप्यूटर में। थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम जब आप रैम इंस्टॉल करते हैं, फर्स्ट टाइम एक बार टाइम लेता है, उसके बाद से आपका जो लैपटॉप है स्मूथली चलने लगता है। ओके, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है इंस्टॉल करने का टाइम मिल रहा है रैम का, तो मेरे को कमेंट पर ज़रूर बताइए। तो आप सिंपली यहाँ पर चले जाइए, माई कंप्यूटर होगा मेरा, मैं भी दिस कंप्यूटर, दिस PC जो भी है आपका, वहाँ पर चले जाइए और आपका रैम इंस्टॉल हुआ कि नहीं ठीक से वो देखने के लिए आपको दिस PC का यहाँ पर जाके आपको राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज़। ओके, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है इसको आपको क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आपका प्रॉपर्टीज़ खुल जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो मेरा रैम है, पहले 4GB था, अभी देखिए अपग्रेड होने के बाद मेरे को यहाँ पर शो कर रहा है मेरा रैम 8GB है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो 8GB मेरा यहाँ पर रैम है, अब मैं इसमें काम कर सकता हूँ स्मूथली। पहले 4GB था और अभी इसमें 8GB है। ओके, तो मेरा जो रैम है वो सिंपली अपग्रेड हो गया। जब भी आप रैम यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं तो ज़्यादातर क्या होता है, यहाँ पर जो आपका पावर बटन है वह पावर ऑन नहीं होता है, या तो फिर आपका बैटरी का जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक होता है। तो यहाँ पर जो आपका पावर बटन है इसको 15 से 20 सेकेंड तक प्रेस करके रखने के बाद छोड़ दीजिए। रैम इंस्टॉल करने के बाद 15 से 20 मिनट तक आप इसको होल्ड करने के बाद प्रेस करके छोड़ दीजिए, आपका जो रैम है वो ऑटोमेटिकल इंस्टॉल हो जाता है और बहुत अच्छे से काम करना शुरू करता है। और एक बात बताना चाहूँगा, ये रैम का दाम बहुत ही कम में मेरे को मिला ये रैम। इस रैम का ओनली
1500 रुपये मेरे को लगा इस रैम को ख़रीदने में, 4 GB का रैम 1500 रुपये। तो अगर आपको परचेस करना है ये रैम को तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाइए, कुछ ऑफ़र चल रहा है वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। अभी कुछ ऑफ़र यहाँ पर चल रहा है जो मैं परचेस किया जहाँ से, तो आप लोग जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके इस रैम को परचेस कर सकते हैं। बहुत ही कम दाम में आपको ये 4 GB का रैम मिल जाएगा। आशा करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब।